हेलो एवरीवन, मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग मिरेकल यूनिक क्लासेस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तुम रोहित हो ना? हाँ हाँ, मैं रोहित हूँ। सर आप मुझे भूल गए क्या? अरे नहीं यार, वो बहुत दिन देखे हुए हो गया था ना, पहले तुम कोचिंग में आते थे इतने साल पहले, उतना चेहरा याद नहीं रहता है। खैर तुमने क्या बोला था, एक बार फिर से बोलना जरा, क्या ग्रेट किया था? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखो गुड आफ्टरनून के बारे में तुमको मैं बता दूँ, वैसे अभी वक्त क्या हुआ है? अभी वक्त तो 12:30 हो रहे हैं, यानी 12:30 हो रहा है, और फिर तुमने गुड आफ्टरनून बोला, ऐसा क्यों? तो सर सब लोग तो गुड आफ्टरनून ही बोलते हैं, हमने किताबों में भी देखा हुआ है कि गुड आफ्टरनून का यूज़ हम दोपहर से लेकर के सूर्य के अस्त होने से पहले तक करते हैं। अच्छा ये बात है, तुमने सही देखा है, मैंने भी देखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राइटर्स इस चीज़ को क्लियर नहीं बता पाते हैं, और कुछ राइटर्स ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है, जो कि मैं आज तुम्हें ये बात को क्लियर कर देना चाहूँगा कि कारण क्या है कि गुड आफ्टरनून हम 12:30 नहीं बोल सकते, यानी सिर्फ 12:30 नहीं बल्कि 12 से लेकर के 2 या 2:30 तक, यानी यूं कहें तो लास्ट 3 तक हम गुड आफ्टरनून नहीं बोल सकते अगर गर्मी का मौसम हो तो। हाँ सर्दी का मौसम हो तो 12 से 2 तक हम गुड आफ्टरनून का यूज नहीं करेंगे, और अगर पूरी तरह से गर्मी का मौसम हो तो 12 से लेकर के 2:30-3 बजे के बीच तक हमें गुड आफ्टरनून नहीं कहना चाहिए। ऐसा क्यों सर? अरे आप क्या कह रहे हैं सर, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या बात हुई? सर सब लोग तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं। अरे भाई मेरे रुक तो जा तू, सब बोलते हैं इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि सही क्या है, ठीक है, ग्रामेटिकली क्या है, देखा जाए तो पूर्ण रूप से परफेक्ट क्या है, ये जरूरी है। चलो तुमको बताता हूँ, तुम डिक्शनरी जाकर चेक करना, ऑक्सफोर्ड हो, वर्गवाज हो या साहिनी हो, कोई भी डिक्शनरी हो, उसमें चेक करोगे तो आफ्टरनून का मतलब तुमको मिलेगा दोपहर के बाद का समय, यानी दोपहर जब ढलने लगता है ना उस समय को गुड आफ्टरनून हम कहते हैं, और तुम तो 12:30 ही गुड आफ्टरनून कह दिए। अरे यार अभी दोपहर ढला कहाँ है, अभी दोपहर तो दोपहर ही है, अभी तो शुरुआत हुई है, 12:00 दोपहर शुरू होती है, और उसके बाद से है ना ये दोपहर कब तक रहती है, ठीक दोपहर ये रहते हैं 2:30-3 बजे तक, और गर्मी की यार चिलचिलाती धूप है, तुम तो देख रहे हो यार, जस्ट बैसाख का मौसम है, और इसमें तो कम से कम 2:30-3 तक तुम्हें नहीं बोलना चाहिए गुड आफ्टरनून। अरे वो सब ठीक है सर, लेकिन मुद्दे की तो बात कीजिए। अरे मुद्दे की बात आप नहीं करें, बार बार ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि गुड आफ्टरनून नहीं कहना चाहिए, तो क्या कहें ये तो बताइए। ओके रोहित चिंता मत करो यार, बताता हूँ तुमको। तो मैं बात कर रहा था कि डिक्शनरी में जाकर देखोगे तो आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय, जब दोपहर ढलने लगे, तो अभी तो ढला नहीं है, तो फिर तो क्या, बोलिए तो सही। NOON नून का मतलब कभी देखा है तुमने? जाकर डिक्शनरी चेक करना, NOON नून का मतलब होता है ठीक दोपहर, और ये कब तक रहता है, इसका अंतराल कितना है, इसका ड्यूरेशन कितना है, करीब करीब 2-2.5 घंटे नून रहता है, और जब दोपहर ढलना शुरू होता है उसके बाद आफ्टर को जोड़ा जाता है, तो नून का असल में जो मतलब होता है वो होता है ठीक दोपहर, और अभी तो 12:30 बज रहा है, ठीक दोपहर है, 1 भी बज रहा होता तो भी ठीक दोपहर होता, 1:30 तक भी 2 तक भी होता तो भी वो आफ्टरनून नहीं होता, वो नून था। तो इसका मतलब है कि सर हम गुड नून बोलना चाहिए था हमें ना, बेशक कितने समझदार हो तुम, हमें गुड नून बोलना चाहिए था। गुड नून का यूज करते हैं 12 से लेकर के 2:30 के बीच तक, और याद रहे कि सर्दी का मौसम हो तो 2 तक ही चलेगा, लेकिन गर्मी का मौसम हो तो 2:30-3 तक बोल सकते हो, उसके बाद दोपहर उतरती है, और दोपहर उतरने के बाद गुड आफ्टरनून का यूज होता है, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और हाँ इसके जवाब में गुड आफ्टरनून ही बोला जाता है। और दूसरी चीज मैं तुमको क्लियर कर दूं कि तुमको लगेगा कि इतने सारे लोग गलती क्यों करते हैं, तो मैं बता दूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वालिफाइड लोग है ना, हाईली एजुकेटेड लोग भी ये चीज को ठीक से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी है ना बॉयकॉट पे, जिसे लोग क्या कहते हैं, बायकॉट कहते हैं, तुमने सबसे सुना होगा, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े लीडर्स है ना, फिर नायक महानायक जैसे बहुत ही दिग्गज कलाकार से लेकर के दिग्गज लोग तक इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी बायकॉट कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ग्रामेटिकली जो लोग गलत बोलते हैं या उनका गलत उच्चारण करते हैं। मैं इस चीज के पूरी तरह से खिलाफ नहीं हूं कि ये गलत ही गलत है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो गुड नून है, जो कि 12 से 2:30 के बीच तक हमें बोलना चाहिए, और दोपहर जब ढलना शुरू हो उसके बाद गुड आफ्टरनून बोलो, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम ना। तो आगे से इस बात का ध्यान रखना, और हाँ जो बच्चे भी ये गलती करते हैं गुड आफ्टरनून कहने की, उसे ये बात जरूर समझाना कि वो गुड नून है, और इसका आंसर भी गुड नून ही होता है। तो अगले बार से अगर मुझे कभी 12 से 2 बजे के बीच तक मिलोगे तो क्या बोलोगे? समझ गया सर, आई अंडरस्टूड परफेक्टली, मैं आपको बोलूंगा गुड नून सर, वेरी गुड, कितने समझदार हो, हाउ सेंसिबल यू आर।
सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, ये थी आपकी एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन, जिसको मैंने दूर करने की पूरी कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट जो होते हैं ना, मेरी हिम्मत को और बढ़ाते हैं और उजागर करते हैं, प्रमोट करते हैं कि मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए, आपसे हो रही गलतियों का पर्दाफाश और मैं कर सकूं और भी उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूं, ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल पे जा सके। और ऐसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोनंसिएशन, हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती। और मैं चाहता हूं कि गांव के हर एक बच्चे की प्रोनंसिएशन, गांव के हर एक बच्चे की इंग्लिश, गांव के हर एक बच्चे का एक्सेंट बिल्कुल परफेक्ट हो, ताकि वो आउट ऑफ बिहार भी जाए ना और बोले इंग्लिश या अपनी लैंग्वेज में बात करे, तो लोगों को लगना नहीं चाहिए कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमारी एक अलग पहचान बने। और ये हम प्रूव करके रहेंगे कि हम गांव के हुए तो क्या हुआ, लेकिन हम तुमसे कम नहीं है, यानी हम किसी से कम नहीं है। मेरी यह पूरी कोशिश चल रही है, मेरा पूरा प्रयास चल रहा है कि आप लोगों की इंग्लिश को जितना ज्यादा हो सके इम्प्रूव कर दिया जाए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपकी फिर से कोई दूसरी मिसकंसेप्शन को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।